नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। नशलागंज में कोरोना से जहां आम इंसान का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, वहीं लोगों का काम धंधा पूरी तरह से चौपट हो गया। बता दें कि कोरोना का असर मूर्तिकारों पर भी पड़ा। पहले जहां भगवान गणेश की मूर्ति बड़ी बड़ी बनाई जाती थी, दो वर्षों से कोरोना काल के कारण मूर्तिकार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। वहीं केकेआर न्यूज़ को मूर्तिकार लक्ष्मी नारायण प्रजापति एवं उसके पुत्र संदीप प्रजापति ने बताया कि हम पिता पुत्र होशंगाबाद से लगातार 15 वर्षों से नशलागंज भगवान गणेश की मूर्ति बनाने आ रखे हैं, लेकिन कोरोना के कारण पिछले वर्ष की भगवान गणेश की मूर्तियां अभी हमारे पास बची हुई है। अभी हमने ज़्यादा बड़ी मूर्ति ना बनाकर सिर्फ मीडियम साइज की मूर्ति बनाई है, लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये मूल्य की। वही कई घरों के लिए छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई गई है। मूर्ति शुद्ध मिट्टी से बनाई गई है, जिसमें केमिकल का उपयोग नहीं किया गया। नशलागंज से चांदमिया की रिपोर्ट। आप ये मूर्ति बना रहे हो, यहाँ कब से आ रहा हो? 15 साल हुए। तो यहाँ आप ये खुद मूर्ति बनाते हो या किसी के? नहीं, हम ही बनाते हैं। आप बनाते हो और आप ही बेचते हो? आप। अच्छा, एक मूर्ति कितने की पड़ती है लगभग? बड़ी मूर्ति जो हिसाब से पड़ जाती है 3-4 हज़ार की। और छोटी 1500। जैसे अभी अभी 2 बार से लॉकडाउन लग रहा है, 2 साल से, तो उससे कोई फर्क पड़ा नहीं? पड़ा, घाटा हो गया हमको। अभी अभी कितनी कितनी मूर्ति बनाई है आपने? 10-12 मूर्ति है हमारे पास। तो ऑर्डर पे बनाई है? वैसे बनाई ऑर्डर की है। क्या नाम है आपका? संदीप। ये आप ये मूर्ति बना रहे हैं तो ये केमिकल की है या मिट्टी की? केमिकल नहीं, मिट्टी की। कहाँ से लाते हैं मिट्टी? नीलकंठ से, धरान से। यहाँ कब से आ रहा है? फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।